चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहिर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। फुल कोर्ट सितंबर ही में बन सकता है। क्या इस वक्त तक तमाम काम रोक दें? हमें ये ढूंढ कर दें कि कहां लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो इसकी बात मानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की फ्रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फुल कोर्ट बनाने पर आज फैसला होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। फुल कोर्ट बनाने पर मजीद वजाहत की जरूरत है। वजीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा खसाद रफीक ने अदालतों के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए कहा कि इक्तदार रहे ना रहे लेकिन इंसाफ का दोहरा मेयार कबूल नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्वीट में कहा कि सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मेयार कबूल ना मंजूर ना तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में 249वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादे दहशतगर्दी ऑप्शंस और सरहदों के दिफा के लिए जवानों और अफसरान की कुर्बानियों की तारीफ की। मुल्क में सलाबी सूरत हाल के दौरान रिलीफ ऑपरेशन को भी सराहा गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि फुल कोर्ट नहीं बना तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। हमजा शबाज भी पेश नहीं होंगे। इत्तेहादी जमातों का फैसला है कि अगर फुल बेंच ना बना तो फैसला नहीं माना जाएगा। फुल कोर्ट ने 2015 में कहा ये पार्टी हेड का इख्तियार है।